हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम स्वागतिका है और आप देख रहे हैं विक्सटन फिटनेस प्रेजेंट्स हेल्दी हीरो सीरीज। इस सीरीज़ में हम ऐसे कुछ लोगों से मिलते हैं जो देखने में तो साधारण होते हैं, लेकिन उनकी जो जीवन शैली होती है वो असाधारण होती है। तो वो पूरी ज़िंदगी अपने आप को फिज़िकली और मेंटली फ़िट रखते हैं और कभी किसी के ऊपर बोझ नहीं बनते हैं। तो आज के इस एपिसोड में हम मिलने वाले हैं मिस्टर रामजीत यादव से, जो कि एक दूध वाले भैया हैं। वो घर घर जाके दूध देते हैं और गायों की सेवा करते हैं। ना उन्हें अपने काम से प्यार है और वो अपना काम करने के साथ अपने आप को तंदुरुस्त भी रखते हैं। चलिए मिलते हैं उनसे और उन्हीं से सुनते हैं कि वो अपने आप को कैसे इतना खुश रख पाते हैं। मेरा नाम रामजीत यादव और मैं सुबह रोज़ डेली 5 बजे उठता हूँ और 5 बजे उठ करके अपने घर के ही काम है गाय का, और गाय के काम में लग जाता हूँ। पहले बात तो उनके नीचे जो गंदगी रहती है उनका गोबर वो साफ़ करता हूँ। वो साफ़ करके उसको उसी दम पे फेंक भी देता हूँ, उसको जमा नहीं करता हूँ, डायरेक्ट दूर हटा देता हूँ। इसके बाद मैं अपना टॉयलेट जाता हूँ, टॉयलेट से आके दातुइन करता हूँ, साफ़ करके फिर मुँह साफ़ करके और फिर पानी पीता हूँ, वो भी गर्म पानी पीता हूँ। और ये फिक्स नहीं है कि गर्म ही पीता हूँ, ठंडी का सीज़न है इसलिए गर्म पी लेता हूँ, गर्मी रहेगी तो ठंडा ही पी लूँगा ऐसा। और उसके बाद फिर दूध निकालना चालू करता हूँ। तो जितनी गाय रहेगी, चाहे 2 है, चाहे 5 है, चाहे 10 है, जो भी है, उसका दूध निकालता हूँ। दूध निकालने के बाद फिर उनको दाना खिलाता हूँ, दाना खिला के फिर चारा डाल देता हूँ। चारा डाल के फिर जितना गोबर रहेगा उसको फिर साइड कर दूँगा, फेंक दूँगा। उसके बाद फिर हाथ पैर धो के फिर दूध का पैकिंग करना चालू करता हूँ। छुट्टा डब्बे में नहीं ले जाता हूँ, पैक करके ही ले जाता हूँ, इसलिए कि मुझे उससे समय ज़्यादा बचत होता है। जल्दी जल्दी फटाफट जाके जिसके घर पे देना है फटाफट दिए और फिर वापस आ जाता हूँ। और इस समय मतलब हमारा रनिंग एक 2 किलोमीटर के रेंज में सब हो जाता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। फिर आके तुरंत नाश्ता करता हूँ और नाश्ता करके मैं गाय का चार काटने के लिए चला जाता हूँ। वो चार में एक राउंड हो या 2 राउंड हो, जैसा मिल गया चार, जितना काट पाए, जैसा कर पाए, जैसा समय एडजस्ट हुआ ऐसा कर लेता हूँ, उसको फिर लाता हूँ। उनमें तो पूरा हमारा 10 किलोमीटर का राउंड हो जाता है साइकिल में। हाँ, आराम से, इससे कम तो नहीं होता है। मैं घर पे मतलब रहूँगा तो और नहीं कुछ तो, मेरा गाय अब यहाँ ऐसा है, वो उधर से निकल गई, उधर देखना है, उधर से निकली उधर, मतलब ये राउंड चालू ही रहता है। तो 10 किलोमीटर तो आराम से हो जाए। फिर शाम को भी वही काम है, 4 बजे से फिर शुरू हो जाता है, दूध निकालना करना, दाना देना, चारा डालना, फिर दूध पैक करना, फिर दूध भरने जाना, वो करके आओ, 8-9 बज जाता है। वापस आते आते 8-9 बजे के बाद फिर हाथ पैर धोए और फिर थोड़ा बहुत टीवी देख लेता हूँ, और टीवी देखने के साथ साथ फिर खाना मिला तो खाना खाने में वो टाइम पे खाने में तो रोटी दाल चावल जो है वही सादा फ्राइड फूड है तो खा लिए, नहीं है तो नहीं सही। बाहर से कभी दूध घर का है उसको डेली खाता हूँ, बाहर का कोई चीज़ नहीं खाता हूँ। मजबूरी कहीं हो गई तो, बाहर हैं अगर कोई मजबूरी हो गई तो, नहीं तो मैं खाना घर के ही ज़्यादातर खाता हूँ। और सोने का टाइम फिक्स तो 10 बजे का है, लेकिन उससे ज़्यादा भी हो जाता है। और सोने के बाद रात को भी जब उठूँगा तो 12 बजे के आसपास में उठ भी जाता हूँ, जल्दी वो बाहर निकलूँगा
तो गाय के पास में जितना गोबर रहेगा उसको फिर साफ कर दूंगा और फिर 2 बजे जागता हूँ और 2 बजे जब उठूँगा तो फिर वही करूँगा। रात में मैं थोड़ा लेके साफ कर देता हूँ उनको, मतलब गोबर पे बैठने का चांस बहुत कम मिलता है, साफ ही रखता हूँ। और फिर 3 बजे या 4 बजे ऐसा कोई टाइम पे या 5 बजे उसका कोई फिक्स नहीं है, जब भी उठूँगा तुरंत चालू कर दूँगा, मतलब बीच में उठ गया तो भी साफ कर। मतलब गाय के पीछे ऐसा है कि मैं रात को भी उनको देखभाल करता ही रहता हूँ। ये तो अभी ये काम तो मेरा 5-6 साल से हुआ है, इसके पहले दूसरा था। वो तो जो वॉचमैन को 5-6-7 साल किए थे तो उसमें तो मेरे को लगता था मैं पूरा मरीज बन गया हूँ ऐसा, और उसी में अपेंडिस भी हो गया था तो उसका इलाज करवाए, ऑपरेशन हुआ निकला, लेकिन वो अच्छा हुआ कि वो काम छूट गया। बैठ के पागल जैसे हो गए थे, एकदम मरीज जैसे बन गए थे वो, जैसे हमको लगे कि एकदम हाथ पैर अब काम ही नहीं करता रहा है, ऐसा हो गया था। छोड़ने का कारण तो ये हुआ खास करके कि वहाँ का पोस्ट बदल गया और धीरे धीरे मेरे पास गाय का वो ऐसा समय बदला और मुझे लगा कि गाय का अपना करूँ ऐसे अच्छा है, यही अच्छा है, तो वो ही करने लगे। तो इसमें हम बहुत फिट रहते हैं, चिंता टाइप का पहले था अब नहीं है। बैठे रहते थे वो टेंशन ही लेके पाल रहते थे, और अब काम में तो काम में लगा रहता हूँ, वो दिमाग में इतना आता भी नहीं है, और उसको पीछे छोड़ दिए इसलिए कि अब जो कुछ करना है अपने दम पे ही रहना है बस, जब तक चले। वो दिक्कत होगा ही, उनको उनको अपने काम से टाइम मिले तो उनको चाहिए कि कुछ भाग दौड़ करें, या किसी काम के लिए, या उनके पास टाइम है तो ऐसे ही चलें, और मिन्हात भी थोड़ा होना चाहिए। अब अगर मिन्हात आप नहीं करोगे तो आपके शरीर से पसीना नहीं निकलेगा तो सुअर का मरीज तो बनना ही है। मिन्हात करोगे पसीना निकल जाएगा, सुअर भग गया अपने आप, सब यही तो है। इसीलिए तो पहले लोग मिन्हात करते थे, जब तब स्ट्रोंग रहते थे, इतना दवा खाना और इतना हॉस्पिटल कहाँ था, लोग कहाँ जाते थे और लंबी उम्र जी के जाते थे। आज तो 60 बरस में सब चले जा रहे हैं। हमें दवा खाने जाने का तो बहुत कम चांस लगता है। हाँ, तो अपेंटिस का ऑपरेशन जब हुआ था तो वहाँ से 2-3 दिन के बाद रजा दिए थे, तो यहाँ आए तो 2-3 दिन अब बैठ बैठ के हमको कंटाला लगा, तो ये मेरे जगह में वो कंपाउंड जैसा ऐसा था तो थोड़ा कांटा बांटा ये सब घास भी कुछ था तो मैं साफ करने लग गया, तो सब पकड़ रहे थे कि ये नहीं करो वो नहीं करो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन मैं माना नहीं, चालू किया और ठीक भी रहा। दोपहर को ऐसा तो हमारा फिक्स टाइम नहीं है, दोपहर को लेट भी खाना खा लेता हूँ और जल्दी भी खा लेता हूँ, जैसे 12 और 1 के 2 के आसपास में कोई भी टाइम हमको काम से राहत मिली तो हम खाना खा लेते हैं, जैसा काम रहेगा जिस दिन उसके हिसाब से चलता हूँ, हमारे काम का ब्रेक नहीं देता हूँ मैं, मेरे काम से ही खुश रहता हूँ हमेशा। मुझे यह लगता है कि अपना कर्म ही सबसे अच्छा बेहतरीन है, अपना कर्म अच्छा करते रहो, रिजल्ट तो मालिक के हाथ में है। सो फ्रेंड्स, आपने रामजीत जी का स्टोरी सुना एंड हमें उनके लाइफ से ये सीखने को मिलता है, 1, कि वो अपने काम से बहुत प्यार करते हैं और उसको रेगुलरली करते हैं, इसीलिए वो स्ट्रेस फ्री रहते हैं। 2, वो रोज़ 10 किलोमीटर साइकिलिंग करते हैं जिसके कारण वो फिज़िकली फिट रहते हैं। एंड 3, वो बाहर का खाना नहीं खाते हैं इसीलिए वो न्यूट्रिशनली फिट रहते हैं। आपके आसपास अगर ऐसे कोई लोग हैं जो जिसे हम हेल्दी हीरोज़ बोल सकते हैं तो प्लीज़ उनका डिटेल्स हमें भेजिए, आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स रहेगा। एंड प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब।